हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टू स्मार्ट पर। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे एक नए तरीके से थीम्स और प्लगइन्स को वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके गाइस, जैसे हम थीम्स में गए, ओके, तो यहाँ ओनली देखिए ये 2020 थीम है, ओके। और प्लगइन्स में दिखा देता हूँ आपको प्लगइन्स में कौन से प्लगइन इंस्टॉल्ड है, ओके। प्लगइन्स में देखिए गाइस, प्लगइन्स में यहाँ 1, 2, 3 और 4 प्लगइन्स हैं। जो मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ वो नहीं है। तो यहाँ से हम थीम में चलते हैं, ओके। तो कभी यहाँ से क्या होता है कि जैसे हम अभी अपलोड करके दिखाता हूँ मैं, जैसे हम अपलोड थीम किया, चूज फाइल किया, और तो गाइस यहाँ मैंने एक ये स्पार्कलिंग नाम की थीम है, ओके, इसको यहाँ से न्यू फोल्डर 3 ओपन किया। तो गाइस ये है स्पार्कलिंग, इसको मैं यहाँ से ओपन किया और इंस्टॉल वहाँ पर यहाँ से अगर क्लिक करें तो देखिए गाइस इस टाइप की एरर आती है। और अगर मैं यहाँ से प्लगइन्स भी करूँ, प्लगइन्स में स्टेप्स की एरर, तो अगर मैं यहाँ से अपलोड करूँ, तो यहाँ से अगर मैं ये जो वो कॉमर्स है, ये एक प्लगइन है, तो इसको मैं ओपन करके इंस्टॉल करता हूँ, देखिए गाइस ये सेम एरर आ गई। इस एरर को कैसे सही करते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो अभी के लिए हम थीम और प्लगइन्स कैसे अपलोड करते हैं वो देखते हैं, ओके गाइस। सो गाइस, सबसे पहले आप क्या करें, इन दोनों को यहाँ से कट कीजिए, ओके, अपलोड करने के लिए। तो उसके बाद क्या करें गाइस, जहाँ आपकी थीम, जहाँ आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट की फाइल्स, वहाँ जाइए। तो हमारे क्या है, सी में वैम्प, वैम्प के अंदर WWW फोल्डर के अंदर लर्न टू स्मार्ट वर्डप्रेस के अंदर, और यहाँ हमारा WP कंटेंट है इसके अंदर, और यहाँ प्लगइन है, यहाँ थीम है, यहाँ पेस्ट किया। तो यहाँ से हम थीम्स के अंदर हैं, तो यहाँ से इसको कट करते हैं क्योंकि ये प्लगइन है, तो इसको प्लगइन के अंदर पेस्ट कर देते हैं, ओके गाइस। यहाँ पेस्ट किया तो इसको यहाँ एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट किया, जब तक एक्सट्रैक्ट हो रहा तब तक हम यहाँ थीम्स में चलते हैं और इसको भी एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, ओके गाइस। अगर गाइस आप लाइव में, तो लाइव में भी सेम अपलोड कीजिए और उसके बाद एक्सट्रैक्ट कीजिए, ओके गाइस। डिलीट, यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं, ओके। और हम जाएं थीम में, प्लगइन पे, तो यहाँ से हम इसको भी डिलीट कर सकते हैं, ओके। सो गाइस हम रिफ्रेश करेंगे, टाइम रिफ्रेश किया तो हम चलते हैं अपनी थीम्स में, थीम्स में गए। तो देखिए गाइस ये स्पार्कलिंग थीम यहाँ इंस्टॉल हो गई है, आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं, ओके। इसी टाइप से मैं प्लगइन्स में जाऊँगा तो यहाँ वो कॉमर्स इंस्टॉल हो गया है और इसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं, ओके गाइस। तो इस तरह से गाइस आप एक्सटर्नली और एक नए तरीके से अपने प्लगइन से थीम को अपलोड कर सकते हैं, ओके। तो सबसे आसान तरीका यही गाइस कि आप यहां से सीधा डायरेक्ट मैन्युअली जाकर अपलोड कर दो, ओके। और जो एरर आ जाती है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।